देखिए ये इंडस्ट्रियल यूनिट में एक यहाँ पर एक इक्विपमेंट्स बनाने की एक कारखाना है जिनको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए अधिकृत किया गया था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन की बात बताई गई है। इसमें कुल मिलाकर के 15 लोग इंजर्ड हुए हैं जिनको की प्राथमिकता पर टॉप मोस्ट लेवल पर लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है और जिनको सुरक्षित तरह से हर तरह से हर संभव इलाज कराया जा रहा है। अभी तक की जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 8 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। हमारी फॉरेंसिक टीम्स ने और हमारी जो रिलीफ और रेस्क्यू की टीम्स है वो सभी काम कर रही हैं। हम सभी संभव आयामों पर इसमें विश्लेषण अपना कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही घटना के गहराई तक जाकर जो भी दोषी होगा उससे कठोर कार्रवाई होगी। मैंने बताया ना कि इसको एक पर्टिकुलर कार्य के लिए अधिकृत किया गया था, अब उसमें क्या शर्तों का उल्लंघन था या नहीं था ये सभी चीजें विवेचना का विषय। जांच कमेटी इसके लिए बनाई जाएगी। अभी हम लोग स्वयं मैं मंडलायुक्त यहाँ पर स्वयं आकर के हम लोग इसको देख रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम लोग इसको तह तक जाकर के पहली प्राथमिकता हमारी हमेशा होती है कि जो हमारे घायल हैं उनका इलाज कराया जाए, जिसके लिए हम लोगों ने कार्य आरंभ कर दिया है। साथ ही साथ में हम लोग ये भी सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी होगा उसका कठोर कार्रवाई। सर जो फैक्ट्री जिस टाइम हादसा हुआ है उस टाइम फैक्ट्री के अंदर बाहर से ताला लगाया बताया जा रहा है कि ताला लग रहा था, ये सब चीजें जांच का विषय, अभी कोई कयास लगाना ठीक नहीं होगा। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।